गांधी जी की शिक्षा नीति को बदलेंगे। मैंने कहा कि चेंज होना चाहिए, प्रकृति का नियम है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु चेंज से पहले जो चल रहा है उसके अंदर क्या क्या कमियां उनको छांटना चाहिए बैठ के। चेंज का तभी मतलब है ना, एक कमरा तोड़ दिया और उससे भी बेकार बना दिया तो क्यों तोड़े खाम का। उस कमरे में आपको क्या क्या चीजें अच्छी नहीं थी और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हो ये तो सोचना चाहिए। चलो 2014 में सरकार आ गई, इन्होंने शिक्षा नीति पे काम शुरू कर दिया। 2015 में 13% छोड़ दिए जनता के बीच में विचारणीय बिंदु कह के इनके ऊपर सुझाव दीजिए, पर तब ये सरकार इतना हौसला नहीं ले पाई कि शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में कोई बड़े फैसले ले लिए जाए। सरकार थी इनकी, गठबंधन की सरकार थी मोदी साहब की, पर ये निर्णय नहीं लिए पाए। 5 साल तक इन्होंने निकाल दिए बातचीत में। हम बहुत बार कहते थे कि इसका कोई ड्राफ्ट जारी किया जाए, अब ये जयप सिंह जी बोलकर भी गए हैं जो गोष्टियां करते थे, परंतु वो ड्राफ्ट भी जारी नहीं किया। 19 के चुनाव आ गए, अब वो चुनाव के अंदर क्या माहौल था क्या नहीं था वो अलग चीज है राजनीति की। ये सच्चाई है आज कि 2019 से ज्यादा तो वोट मिले बीजेपी को, पहले 16 करोड़ के लगभग वोट मिले थे और इस बार 20 करोड़ तक पहुंच गए, थोड़े से कम है, 19 करोड़ कितने, और पार्लियामेंट में सीट भी ज्यादा मिली 19 से। तो जब नई पारी में आ गए तब इनको हौसला हो गया कि अब हमारी बल्ले बल्ले, अभी अब इस देश की जनता को उल्लू बनाने में हमारे से आगे कोई नहीं रह गया। बहुत कमियां होते हुए, बहुत चीजें होते हुए भी हम चुनाव जीत कर आ गए और ज्यादा बहुमत से आगे जीत गए। अब नहीं तो एकदम इन्होंने चुनाव के एक महीने बाद 580 पेज का ड्राफ्ट जारी किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चर्चा करो उस पर, देश के लोगों ने चर्चा करी, अब वो चर्चा तो बताते नहीं ना किसके क्या सुझाव आए थे। ये तो कहते हैं कि 2 लाख लोगों के सुझाव आए हमने मान लिए, अब रिकॉर्ड तो है नहीं कि किस किस के सुझाव माने क्या माने। हमने भी सुझाव दिए थे, यूनियनों लेवल पे भी दिए थे, पंचायतों ने भी सुझाव दिए थे, तो कह रहे हमने सुझाव ले लिए। उसी प्रकार चाहे वो कृषि बिल है चाहे वो मजदूरों के हैं, एकदम 19 के बाद शुरुआत करी। दूसरी बात, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का समय और तरीका दोनों गलत। जब 34 साल के बाद आप कुछ चेंज कर रहे हो, कहीं भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 108 पेज की अब जारी करी है इन्होंने, एक लाइन भी ये नहीं है कि कहीं क्या क्या कमियां थी 86 की पॉलिसी में, 91 में 92 में जो अमेंडमेंट हुई उनमें क्या कमियां थी, कहीं जिक्र नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, आज तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमेशा पार्लियामेंट में बहस होती है, एक कमेटी बनती है जिसके अंदर सभी दलों के लोग शामिल होते हैं एमपी। इसमें ना पार्लियामेंट में बहस करी ना कोई कमेटी बनी, केवल मंत्रिमंडल की मीटिंग करके उसमें पास करके देश में लागू कर दी, प्रेस नोट जारी कर दिया कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी। तरीका बिल्कुल गलत और समय उससे गलत। वो दौर था जून जुलाई का पिछले वर्ष 2020 में, जब कोरोना महामारी फैली हुई थी बुरी तरह से, उस दौर में लोगों के रोजगार छिन गए थे। वो तस्वीरें भूली नहीं आज तक हमारे से, जो टेलीविजन पे देखा करते कैसे मजदूर जा रहे, बाजार बंद हुए पड़े हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जो 34 साल के बाद शिक्षा नीति लागू कर रहे हो, उसको 6 महीने रोक भी सकते थे आप, कोई ऐसा भूचाल नहीं आ रहा कि आज ही चीजें लागू करनी। अब भी जो लागू करी है 2020 में, उसमें लिखा है कि 2030 तक लागू होगी, 10 साल का टाइम। ये अलग बात है, हरियाणा का मुख्यमंत्री 2 कदम आगे है खट्टर साहब, उसने बयान दे दिया कि हम 2025 तक पूरी लागू कर देंगे, इसके अंदर 2030 लिखा हुआ है। तो उस दौर के अंदर, मतलब वो दौर ऐसा था कि लोग इकट्ठे होकर विरोध भी नहीं कर सकते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते आप, ऐसी महामारी है, और उस दौर में ये शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं। तो बहुत खतरनाक इरादे हैं, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे इसका
अवसर लिए बनाया जाए, महामारी को अवसर के रूप में लिया जाए, सही मायने में अवसर माने। सारे उल्टे काम एकदम कर दिए उस काल के अंदर। और जहां तक हम इसका विरोध कर रहे हैं, मैं इसी पे आ रहा हूं, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये अति केंद्रीकरण है। शिक्षा जो है, जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो शिक्षा राज्य का विषय था। तीन प्रकार के विषय हैं जो साथी पढ़े लिखे जानते होंगे। कुछ विषय राज्य के हैं, कुछ समवर्ती सूची में हैं जो राज्य और केंद्र दोनों डील करते हैं, और कुछ केंद्र के विषय हैं, जैसे डिफेंस है, इनकम टैक्स है, ये केंद्र के विषय है, राज्य ने कुछ नहीं कर रहा। कुछ विषय लोकल पंचायत है और है, चुंगी वगैरह लगाया करती, ये राज्य के विषय है, और शिक्षा भी राज्य का विषय था शुरुआत में। 1972 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी के टाइम में इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। वो एक अमेंडमेंट थी, पार्लियामेंट में बातचीत हुई थी, सारी बात है, परंतु अब कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं। इस शिक्षा को केंद्रीय विषय बना दिया गया अपने आप। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बीजेपी शासित राज्य है, चल वो तो नहीं बोलेंगे, उनका माई बाप बैठे ऊपर, पर जो बीजेपी शासित नहीं है, या कांग्रेस के कह लो या किसी और पार्टी के, वो भी उस रूप में विरोध नहीं कर रहे कि आपने हमारी ताकत क्यों छीन ली। अति केंद्रीयकरण, सब कुछ फैसले केंद्र करेगा, शिक्षा का निजीकरण बड़ी तेजी से किया जाएगा, शिक्षा का भगवाकरण किया जाएगा। मुझे कोई इतराज नहीं है शब्द का यूज करते हुए। भारत देश की जो ताकत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में एकता, यहां तरह तरह के धर्म के हैं, तरह तरह के इलाके हैं, मैंने बताया बहुत सारी भिन्नताएं, बहुत समाज, चार कोस में तो बोली वैसी बदल जाती है, अपने कहावत है। तो उन सब को, भिन्नताओं को छोड़ते हुए, केंद्रीकरण करते हुए एक ही तरह के लोगों की बात करता है। जो भारत का संविधान है, बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, समता की बात करता है, उसको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से गायब कर दिया गया है। वो चीजें नहीं है इसके अंदर। जहां तक ढांचे की बात है, जो मेन ढांचा है, अभी हमारा जो ढांचा चल रहा है वो 5+3+2+2 है। 5 ढांचा है, प्राइमरी स्कूल 1-5 क्लास, ये रह सामने अपने। फिर है 3 मिडिल विंग, कई जगह शामिल है इकट्ठे, नहीं तो मिडिल स्कूल अलग है, 6, 7, 8। फिर है उच्च विद्यालय, जैसे हम बैठे 9वीं 10वीं, और फिर है वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 11वीं 12वीं। 11वीं 12वीं तक जाते जाते स्पेशलाइजेशन आ जाती है। 11वीं में बच्चा फैसला करता है कि वो आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, नॉन मेडिकल लेगा, मेडिकल लेगा। उस लेवल तक बच्चा पहुंच जाता है कि वो आगे मेडिकल करे क्या करे। तो इसमें सारा बदलाव कर दिया। एक चीज नई जो करी है, वो 3-6 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, प्री प्राइमरी के नाम से उनको भी पढ़ाया जाएगा। अभी तक 3-6 साल तक के बच्चे आंगनवाड़ी में थे, पर यहां भी बड़ा फर्क था कि कहने को आंगनवाड़ी में, परंतु जो भी धनाढ्य लोग हैं या जो खाते पीते हैं, जिनके संसाधन हैं जिनके पास, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों की छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे। रोक टोक नहीं थी सरकार की। शिक्षा नीति कहती थी कि 6 साल के बाद बच्चा पढ़ेगा, परंतु धड़ल्ले से सभी प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में KG, LKG, पता नहीं क्या क्या प्रेप, क्या क्या नाम चले हुए थे, चल रहे थे, कोई रोक टोक नहीं। सिर्फ गरीब के बच्चे के लिए था कि सरकारी स्कूल का मास्टर कह देता था, ना बेटा भाई 5 से तो पहले दाखिल कर ही नहीं सकते। तो इसलिए भी, एक तो वो दौर था, हम भी उसमें शामिल थे दौर में साथ,
कि 5 साल से कम बच्चे को अगर स्कूल में दाखिल करोगे तो माँ बाप पे मुकदमा दर्ज होगा। 5 साल से कम बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं करवाना चाहिए, ऐसे कई देशों में कानून हैं, हम भी उसके समर्थक। पर जैसे मैंने बताया बदलाव होते रहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आ गया कि पहली क्लास में आने से पहले 3 वर्ष तक बच्चे को प्ले वे मेथड, किताब नहीं पढ़ानी कोई, खेल खेल में चित्र दिखा के कुछ तैयार किया जाए कि वो पहली क्लास में एंट्री कर ले, जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है अभी तक। मैं कह रहा था LKG UKG और प्रेप, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं। तो वो इन सरकारी बच्चों को भी लाभ मिल जाए, उस गरीब जनता के बच्चे को भी लाभ मिल जाए, ये मांग हम कर रहे थे। अब स्पष्ट कह रहा हूँ, STFI की डिमांड थी कि प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की जाए। विश्व स्तर पर आ गया था कि 6 साल तक के बच्चे का 85% दिमाग विकसित हो जाता है। ये साइकोलॉजी की बातें हैं। तो हम भी कह रहे थे कि हो शुरुआत, और कम से कम हम उनको रोक नहीं रहे पा रहे प्राइवेट स्कूलों को। तो जो जनता, जिसको मैंने कहा कि एक हष्ट पुष्ट है और एक की एक टांग बांध दी, ये मुकाबला कैसे करेंगे? एक बच्चा LKG UKG करके आ रहा है और एक बच्चा सीधा 5 साल का होने के बाद स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो आगे जाके कैसे मुकाबला करेंगे? तो इनके लिए रास्ता खुला। तो ये खोलना अच्छी बात है, पर इसमें भी बेईमानी कर गए फिर वो। 3 साल के साथ पहली दूसरी क्लास जो हमारी प्राइमरी स्कूल की है वो भी निकाल ली। हम कह रहे थे कि प्राइमरी स्कूल में प्री प्राइमरी शुरू की जाए, उन्होंने एक चौथा बना दिया स्कूल, फाउंडेशन स्टेज। जैसे नींव रखते हो मकान की तो उसको फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। मतलब ये गजब की बात है कि हम 50 फुट ऊपर मकान बना देते हैं, 2-3 मंजिला। नींव तो आप 5-7 फुट ही रखते होंगे ना नीचे, 7-8 फुट रखते होंगे। और ये करेगी 5 साल की नींव होगी, पहले 12 साल की शिक्षा थी, अब 3 साल जोड़ दिए 15 साल। 15 साल में 5 साल तो नींव के होंगे, पहली दूसरी भी निकाल ली। और उसको कौन पढ़ाएगा इसके ऊपर भी बड़ी अभी चर्चा है। 2 तरह के शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है इसमें। एक तो वॉलंटियर, कि वॉलंटियर पढ़ाएंगे, और एक आंगनवाड़ी का भी शब्द है इसके अंदर। तो अभी कुछ नहीं पता, कई बार शुरुआत दौर में आंगनवाड़ी की बहनें खुश होगी कि हम तो मास्टर नहीं बन गई, अब 40,000 तनख्वाह हो जाएगी, जबकि करना कुछ नहीं है। पैसा आंगनवाड़ी का नहीं बढ़ाना, किसी वॉलंटियर का नहीं बढ़ाना। वॉलंटियर कौन होंगे? ये 2 नंबर का रास्ता हो गया अपने आदमी भरना। जो शाखाओं में से निकल कर आए हैं वो वॉलंटियर होंगे, और कोई नहीं होगा, उनको एडजस्ट किया जाएगा। और प्राइमरी स्कूल हमारा सिर्फ 3 क्लास का रह गया, 3री 4थी 5वीं, जो नया ढांचा। इसके बाद मिडिल स्कूल वही है 3 क्लास, पर इसमें एक और बड़ी गड़बड़ कर दी 3 साल में मिडिल में। अभी तक मैंने बताया कि 11वीं में जाके बच्चे सयाने होते थे, क्या करेंगे? और चाइल्ड लेबर एक्ट भी है हिंदुस्तान में, 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई काम नहीं कर सकता, करवा नहीं सकते आप। चल रहे कानून से हटके सब कुछ चल रहा है, किसी भट्ठे पे चले जाओ, किसी चाय की दुकान पे चले जाओ, माँ बाप ने चाहे नाम अमरीक सिंह रख दिया हो, वहाँ छोटू ही कहलाएगा वो, छोटू कप साफ कर, छोटू चाय ले, चल रहा है वो। परंतु है कानून तो है देश में, और इन्होंने वो कानून तोड़ दिया। 6ठी 7वीं 8वीं में आपको वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, व्यवसायिक एजुकेशन। 10 दिन बच्चा महीने में बिना बस्ते के आएगा, 10 दिन। और उसके लिए एक तो हम ये कहते हैं कि जो 6ठी क्लास का बच्चा 11 साल का, अभी उसकी वो उम्र नहीं है कि वो फैसला कर पाए कि आगे जाके क्या करेगा, अभी सामान्य शिक्षा उसको देनी चाहिए। 11 साल का बच्चा अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। और फिर ये गांव से बुलाएंगे, कोई खाती बुलाया, कोई और बुलाया, ट्रेनिंग दे दे, किसी को 200 रुपये दे दिए दिन के, ना दे दिए। ये सारा जो मकसद है ना, जो सोच पीछे,
ये है कि पूंजीपति वर्ग के लिए सस्ती लेबर का निर्माण करना। छठी से आठवीं में बच्चे को थोड़े बहुत थोड़ा थाड़ी मारनी सिखा दो, वो नौवीं क्लास के लिए स्कूल की डिमांड ही ना करे, पंचायत डिमांड ही ना करे कि नौवीं का स्कूल हो जाए। और 11 से 14 साल के बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनको सस्ती लेबर मिल जाए कट पीस के हिसाब से, उनको पूरी तनख्वाह ना देनी पड़े। तो ये बहुत बड़ा अटैक है समाज के ऊपर और हमारे नौनिहालों के ऊपर अटैक है कि इनका भविष्य क्या बनेगा। इसी प्रकार नौवीं दसवीं जो सीनियर सेकेंडरी क्लास और ग्यारहवीं बारहवीं सीनियर सेकेंडरी, इन दोनों को मिक्स कर दिया, अब नाम रख दिया सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का बोर्ड नहीं होगा किसी स्कूल के आगे, सारे स्कूल सेकेंडरी स्कूल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 9 से 12 क्लासें होंगी। हमने बड़ी मुश्किल से लड़के सेमेस्टर सिस्टम खत्म करवाया था कि 6-6 महीने बाद परीक्षा लेते हो, उसमें बच्चों की बाकी जो गतिविधियां हैं, खेल कूद है, कल्चरल प्रोग्राम है और चीज़ें, वो सारी खत्म हो गई है। एनुअल सिस्टम होना चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर 8 सेमेस्टर लेकर आई है, 8 सेमेस्टर, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, 12वीं तक 8 सेमेस्टर होंगे। और दूसरी जो बड़ी बात, आम जनता के ऊपर कितने हमले हैं, जो स्पेशलाइजेशन होती थी हमारे बच्चों की 11वीं 12वीं की, वो खत्म कर दिया। सेकेंडरी में कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, कोई मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं होगा, 64 विषय होंगे, पेपर होंगे 64, 48 पास करने हैं। एक बार बायोलॉजी कर लो तो ठीक है, अगली बार फिजिक्स कर लो तो ठीक है, और अगली बार फिजिकल एजुकेशन कर लो, हिस्ट्री कर लो तो ठीक है, कोई रोक टोक नहीं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लो पर आपके अंदर स्पेशलाइजेशन कोई नहीं। वो करेंगे, एक तबका है उपरला, वो 8वें सेमेस्टर में अपने बच्चों को बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ाएगा, वो समझदार है माँ बाप, उनके घर में 4थी 5वीं पीढ़ी में शिक्षा जारी है, अभी 1ली 2री पीढ़ी में शिक्षा नहीं है। यहां तो बाहर एमपी साहब अगर कोई मंत्री होते या प्रधानमंत्री रैली करे ना, वो कहेगा देखो हमने खुलापन कर दिया जी, बच्चे ने बायोलॉजी ली थी नहीं चली कोई बात नहीं, तो हिस्ट्री ले ले अगले 6 महीने, लोग तालियां मारेंगे। उनको नहीं पता कि हम अपने नौनिहालों का कत्ल कर रहे हैं, कैसी शिक्षा नीति आ रही है ये बेलदार बनेंगे, मनरेगा के मजदूर बनेंगे, क्या करेंगे ये आगे जाके, 12वीं तो पास हो जाएंगे, चुनिंदा लोग रह जाएंगे ऊपरले 5-10% समाज के, जो 8वें सेमेस्टर में एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आप पे नेचुरली मेडिकल कॉलेज में उन्हीं का वर्षअप हो गया, के इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्हीं की अगे सीट रिजर्व होगी अपने आप। जिस बच्चे ने पढ़ी ही नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री 3-4 साल, वो कैसे इंजीनियरिंग के पेपर देगा। कदम कदम पे रोका गया। शिक्षा अधिकार कानून का जिक्र किया हमने, लड़के लिया। हम मांग करते हैं उसको मजबूती से लागू किया जाए, अभी लागू नहीं किया, 2009 में लागू हो गया, 21 आ गई, आज भी 50,000 पोस्ट खाली है टीचर की, जबकि कई लाख पढ़े लिखे एचकेट पास बच्चे हैं हरियाणा में, टीचर उपलब्ध नहीं करवा रहे। बस एक है कि नाम लिख लिया जाए, उस पर भी अटैक कर दिया, पूरी पॉलिसी में उसका जिक्र ही नहीं कहीं पे।